बालेश्वर स्टेशन चकरे खुली 1 और 2 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग ज्वेलरी शोरूम आज ही आसतु आंतु आपण को मन पसंद गहना एसजे ज्वेल्स समाज ऑफिस तलमहला स्टेशन चक बालेश्वर सहर सनत समग्र बालेश्वर जिले में श्रद्धार सह त्याग और बलिदान पर्व ईद उल जुहा पालित हो परिप्रेक्षी बालेश्वर सहर इस्लाम धर्मावलम्बी संप्रदायर लोके सकाळे विभिन्न मस्जिद रे नमाज पाठ करिथिबा बेले अनुरूप भाव दरगा मैदान में सामूहिक नमाज पाठ कार्यक्रम अनुष्ठित होता नमाज पाठ पर परस्पर को आलिंगन सहित समस्त ईद शुभेच्छा जणाइथिबा लक्ष्य करा परे निज निज पूर्वपुरुष समाधि स्थल में समस्ते पूजापाठ करिथिले कुरान रे होइथिबा वर्णना अनुसार अल्लाह स्वप्नादेश महापुरुष इब्राहिम निजर अति प्रिय पुत्र इस्माइल को बळि देबाकु राजी हो जाइथिले सही क्रम से एक खोला पड़िया बलि देवा समय चमत्कार घटना घटीला पुत्र इस्माइल परिवर्ते सेठरे एक छेली को बध कर इब्राहिम देखा पाई स्वयं अल्लाह निर्देश क्षणिक सबकि परिवर्तन हो जाता इब्राहिम किसी बुझीपार बेले पुत्र इस्माइल सेठाई हसुले अल्लाह महिमार सबकि संभव हो पार्क स्मरणीय रखा प्रत्येक इस्लाम धर्मावलम्बी ईद उल जुहा पालन करी इस्लाम धर्मगुरु कहते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जद्दी आला हजरत इब्राहिम इस्लाम की कुर्बानी सुन्नत अदा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं और ईद उल जुहा की नमाज हम लोग 2 रकात वाजिब पढ़ चुके हैं और इसके बाद अपने अहल वयाल जो खानदान वाले गुजर चुके समोकिया बारगाह में फातिहा पढ़ेंगे और मजारत वगैरह हाजिरी देंगे उसके बाद कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी कुर्बानी करें बहुत एहतियात से करें गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तबार से करें किसी ऐसा काम ना करें आपके पड़ोसी आपके पड़ोस वालों को तकलीफ हो इस तरह कुर्बानी करें अपने खाल खोद कर उसका जितना खून ओझड़ी वगैरह जो भी पलीद वगैरह जो इस्तेमाल में नहीं लाते उसको सब दफन करें और खास करके नाला वगैरह में खून को ना बहाएं ये एक बार बहुत अहम काम है नाला हर इलाका से लेकर जाता है किसी के नजर में आए तो उससे दूसरे मजहब वालों को ठेस पहुंचेगी उससे अमन शांति को जो है ना बिगाड़ने का खतरा रहता है इसलिए मैं तमाम भाइयों से इल्तिजा करता हूं बराए करम आप जहां भी कुर्बानी करें पूरा अच्छी तरह घेर के करें ताकि रास्ते में चलने वाले और ऊपर से कोई देख न सके आज के दिन जो आज क्या क्या किया जाता है सुबह से लेके सुबह की नमाज पढ़ने के बाद में गुस्ल उसल करते हैं और अच्छे कपड़ा पहनते हैं नया कपड़ा जिसको मैसर न हो नया कपड़ा वो साफ कपड़ा पहन कर इत्र सुरमा लगा के ईदगाह को जाते हैं कोई मस्जिद को जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ने के बाद में सब अहल वयाल अपने खुशी के त्यौहार में एक दूसरे से शिकवे शिकायत को दूर करके गले मिलते हैं सबको खुश आमदीद कहते हैं बकरीद का आपको खैर मकदम करते हैं और सबको अमन शांति से बकरीद मनाने के लिए सबको ये पैगाम देते ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सुन्नत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी के लिए अल्लाह ने इनको ख्वाब दिखाया था तुमको सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर जो पसंद है उसी का कुर्बानी चाहिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत करते थे इसीलिए उनको कुर्बानी गाह के लेके जाके जब कुर्बानी किया अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत से एक दुम्बा लाके उनके छुरी के नीचे रख दिया और छुरी के नीचे रख देने के बाद में अल्लाह ताला उस कुर्बानी को कबूल कर लिया और दुम्बा कुर्बानी हो गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं अल्लाह ताला को ये दा इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक हर मालिक के निसाब पर कुर्बानी वाजिब कर परस्पर मध्य भेदभाव भूली साध्य मते दान करिवार प्रथा एही पर्वर बड़ नियम अटे एही दिन समस्त घरे सुस्वादु खाद्यर संभार आयोजन होइथाय बंधु बांधव और संपर्कियों को आमंत्रण सह से भूरी भोजन आप्यायित मध्य करा जाइथाय